हूँ, आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। आज मैं आप लोगों को दुनिया के ऐसे पांच चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसे पांच स्थानों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी गुत्थी अभी तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से रहस्य हैं। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। दुनिया में ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में एक्चुअली जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पर्दा हटा दिया है, और उस चीज के बारे में पता चल के जो रहस्य होते हैं लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पीछे ऐसा रहस्य था। पर आज भी हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके रहस्य के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। तो आज मैं आप लोगों को एक पांच ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आज तक, जिनके रहस्यों के बारे में आज तक विज्ञान पता नहीं लगा पाई है। पहला, कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। वहां पर एक्चुअली एक ऐसा रेगिस्तान है, एक ऐसी जमीन है जहां पर अलग अलग वेट के अलग अलग शेप के पत्थर हैं, और वो पत्थर काफी ज्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं, और वो जो जमीन है वो काफी ज्यादा अलग सी दिखाई देती है। और पर वहां पर एक ऐसा रहस्य है जो कि वैज्ञानिकों ने अभी तक सुलझाया नहीं है। वो अचानक से जो वो पत्थर है वो रेंगते चले जाते हैं, मतलब कि खिसकते हैं, मानो कि कोई उसको धक्का मार रहा हो। और इसके सबूत भी वहां पर मिले हैं, मतलब कि एक जगह से जब दूसरी जगह एक मिट्टी में जब वो खिसकते हैं तब वहां पर जो खिसकने का निशान होता है वो अपने आप बनता हुआ जाता है। पर आज तक विज्ञान उस चीजों के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि इसको खिसकाता कौन है, वहां पर है कौन। फ्रांस में 1518 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में जान के आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है कि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था। अगर आप लोग डांस करते हैं तो आप लोगों को पता ही होता है कि अगर आप डांस करते हो तो शायद एक 15 मिनट, शायद 20 मिनट, शायद आप एक घंटा डांस कर लो अगर आप बड़े डांसर हो। तो फिर भी वहां पर एक ऐसी चीज हो गई थी कि अचानक से कुछ लोगों ने मिलकर डांस करना शुरू कर दिया, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन से रात, बस यही सब चीजें हो रही थी। वो लोग अपना पैर थिरकना नहीं छोड़ रहे थे। उसी दौरान ऐसी सब चीजें हो रही थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इनमें पागलपंती क्या सवार हुई है। तो उसी दौरान ये चीजें वो लगातार डांस करते गए, और उनमें से कुछ लोग डांस करते करते मर भी गए। पर इसके बाद भी वैज्ञानिक इस चीज का पता तक नहीं लगा पाए कि इसके पीछे का राज क्या था, और आज तक भी ये रहस्य है। और इसका नाम डांसिंग प्लैग करके भी डाला गया है, मतलब कि ये एक ऐसा डांस था जो कि मृत्यु तक लेके जाता था, और लोग डांस करते करते मर जाते थे। और वहां पर कुछ लोगों को ऐसा ही कुछ हुआ था, और ये ऐसा रहस्य बना हुआ है कि लोग जानना चाहते हैं और वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए हैं। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है स्टोनहेंज। एक्चुअली वहां पर काफी सारे ऐसे स्टोन रखे गए हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप लोग देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, पर वहां पर उस जगह पर काफी सारी ऐसी भाषाओं में अलग अलग लेख लिखे हुए हैं, यानी कि स्पेनिश में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, और भी काफी सारी ऐसी भाषाएं हैं, इवन हिंदी तक में यहाँ पर ऐसी सब चीजें लिखी हुई हैं। पर ये सब चीजें एक ऐसा रहस्य है जो कि वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। अगर हिंदी है या फ्रांस है या इंग्लिश है, क्योंकि सब लोगों को इंग्लिश आती है, और वहां पर अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे और उसका तत्व नहीं निकाल पा रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली में यहाँ पर लिखा क्या है। इसीलिए एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसके पीछे आज तक भी वैज्ञानिक पड़े हुए हैं और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि इसका पता जल्द से जल्द पहुंचे कि शायद ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। पेरू के नास्का में एक ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चला है। वैसे तो आप लोग देख पाते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा आकृतियां हैं, वो अलग अलग शेप में दिखाई देती हैं, पर अगर आप लोग वहां पर सीधे खड़े होकर देखो तो वो अलग शेप में हो जाती है, अगर आप उसको राइट साइड में जाके देखो तो अलग शेप में हो जाती है। पर उस चीज का कोई पता नहीं लगा पाया कि एक्चुअली ये है क्या।
कुछ लोग इस चीज के बारे में बोलते हैं कि जैसे कि पहले एलियंस हुआ करते थे और एलियंस के जो विमान हुआ करते थे वो यहाँ पर आके रुकते थे और अलग अलग शेप के वो विमान रहते थे, जिसके कारण ये यहाँ पर शेप और आकृतियां बन चुकी हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। पर विज्ञान ये सब चीजें नहीं मानती है और विज्ञान इसके पीछे लगी हुई है कि एक्चुअली में ये है क्या, और विज्ञान ये दावा करती है कि बहुत जल्द से जल्द इन सब चीजें जो रहस्य है जिनके पीछे ये लगे हुए है उसका वो पर्दाफाश कर देंगे और लोगों तक आगे की भी नॉलेज वो लेके आएंगे। मिनेसोटा डेविल वाटरफॉल, एक्चुअली बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे रहस्यमय वाटरफॉल है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या रहस्य है उसमें जो कि काफी बड़ा रहस्य है। वहां पर दो वाटरफॉल है, दो वाटरफॉल देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर इसका एक ऐसा रहस्य है जो कि वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। दो वाटरफॉल की जो एक नदी है, जो एक झरना है, वो नदी में गिरता है और उसका पानी साफ साफ जाते हुए दिखाई देता है, पर जो दूसरा वाटरफॉल है, जो दूसरा झरना है, उसका जो पानी गिरता है वो एक ऐसी सुरंग में गिरता है, एक ऐसे कुएं में गिरता है कि वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअली में वो सुरंग जाती कहाँ है और वो पानी कहाँ पर गायब हो जाता है, क्योंकि पानी वहां पर जाते ही गायब हो जाता है और वहां पर पानी दिखाई तक नहीं देता है कि पानी कहाँ पर चला गया है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं और हर एक चीज की छानबीन करते हैं, पर उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके बारे में किया क्या जाए। तो गाइज आई होप आप लोगों को इसके बारे में जान के काफी ज्यादा मजा आया होगा कि पांच रहस्य ऐसे हैं। अगर आपके पांच रहस्य जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने कमेंट भी नहीं किया तो प्लीज कमेंट करते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।